कानपुर से फर्रुखाबाद जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने बनिंग ट्रैन बनाने की साजिश रची थी, लेकिन वह फेल हो गए। घटनास्थल से मिला व्हाइट, येलो और ग्रे पाउडर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट राहुल देव के मुताबिक पीला पाउडर गंधक है और व्हाइट पाउडर कैल्शियम, इलम या घातक केमिकल हो सकता है। इन सभी को मिलाकर धमाका किया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए पेट्रोल बम और उसके बाद टेम्परेचर के साथ आग पकने वाली एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से मिलकर जो धमाका होता तो तेज स्पीड से जा रही कालिंदी को बेपटरी होने से कोई नहीं रोक सकता था। रही सही कसर ट्रैक और ट्रेन व्हील के बीच का फ्रिक्शन और फिर स्क्रीचिंग से निकलने वाली चिंगारी पूरी ट्रेन को बनिंग ट्रेन बदल सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। दहशतगर्दों के निशाने पर इंडिया रेल है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक महीने में संडे रात हुई चौथी वारदात है। हालांकि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, अगर कामयाब हो जाते तो न जाने कितनी जाने जाती। इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग भी की गई थी। बोतल में पेट्रोल और उससे निकलता सूती कपड़ा, पेट्रोल बम, माचिस, गंधक व पोटाश धमाके के लिए मिश्रण से देशी बारूद बनाने में सहायक। इसके बाद जो सबसे खतरनाक एलपीजी सिलेंडर, जिसके धमाके से इंजन का बेपटरी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। दहशतगर्दों की शातिराना हरकत इसी बात से अंदाजा लगाए कि एक घटना की जांच पूरी नहीं हो पाती, दूसरी को अंजाम देने की न सिर्फ प्लानिंग बना ली जाती है बल्कि उसे अंजाम देने का सामान भी मौके पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर ही दहशतगर्द अपना ठिकाना भी बना लेते हैं। अब तक की जाँच में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सनसनी फैलाने वाली वारदात आतंकियों की साजिश है। इस बात की पुष्टि मौके पर पहुंचे आईजी एटीएस नीलाब्जा चौधरी, डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह और आरपीएफ के अधिकारियों ने की। मौके से मिले एविडेंस की कड़ी से कड़ी जोकर एटीएस, एनआईए और आईबी के साथ कानपुर कमिश्नरेट और आरपीएफ की टीम साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से एविडेंस मिट गए हैं। जो लोग मौके पर रुके थे उनके न तो फुटप्रिंट मिल सके हैं और न ही पॉम साइन। दरअसल घटनास्थल से आसानी से ये चीजें फॉरेंसिक और जांच कर रही टीम को मिल सकती थी, लेकिन संडे देर रात से मंडे दोपहर तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने सारे निशान मिटा दिए। रही सही कसर क्राइम सीन पर पहुंचे लोगों ने और गाड़ियों के धुएं ने पूरी कर दी। न तो दहशतगर्दों की स्मेल मिल पाए और न ही किसी एक्सप्लोसिव की। कानपुर से फर्रुखाबाद जाने के दौरान रेलवे ट्रैक के पैरालल रोड बनी है, जिससे सड़क मार्ग से लोग आते जाते हैं। बस यही बात दहशतगर्दों के लिए मददगार साबित हो गई। घटनास्थल पर पहुंचा स्निफर डॉग वारदात को अंजाम देने वालों की गंध सूंघता हुआ रेलवे ट्रैक से 100 मीटर दूर स्थित ढाबे तक पहुंच गया। उसके बाद ढाबे से फिर वापस आया। रेलवे ट्रैक के आसपास 200 मीटर तक घूमने के बाद स्निफर डॉग मौजूद लोगों को गंध को लेकर भटक गया, जिससे वह इसके आगे पीछे नहीं जा पाया और फील्ड यूनिट की टीम स्निफर डॉग को लेकर चली गई। संडे देर रात ही एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र और डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह के साथ तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर पुलिस को छिबरामऊ स्थित सियाराम स्वीट हाउस का झोला मिला, एक बोतल में पेट्रोल मिला और माचिस समेत तमाम संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया। पुलिस की 6 टीमें इस मामले के खुलासे के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की एक टीम ने छिबरामऊ से सियाराम स्वीट हाउस का डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास के लगभग 2 दर्जन पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं, जिनमें ये जानकारी की जा रही है कि आखिर किस पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा गया है। पुलिस ने 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। लोकल लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। जो लोग इस इलाके में नए आकर रह रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मकनपुर से लेकर कानपुर तक बने वाले ढाबों, होटलों, पेट्रोल पंप, धर्मशाला और विशेष समुदाय के लोग जांच कर